बात सुनने वालों से शेयर करना चाह रहे होते हैं. हमारी आपकी तारीफें तो होती रहती हैं प्रोग्राम की. और मैं जा रही हूँ जनाब इस वक्त एक कॉलर को शामिल करने. एंड आप भी कॉल कर सकते हैं अगर आप पहली दफा सुन रहे हैं शो. आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं. आप हमें SMS कर सकते हैं, ISB स्पेस आपका मैसेज भेजना है आपने इसको 8282 पर. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, आप क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ भैया. आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही. हेलो हेलो जी जी, आपकी आपकी लाइन में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है. थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील कर लें प्लीज. आपकी आवाज आ रही है? गुजारा है भैया. कौन बात करे, नाम बताइएगा. मैं ऐसा बात कर रहा हूँ. कौन बात करे? एहसन मोहम्मद. एहसन बात कर रहा हूँ. बात कर रहे हैं एहसन, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास. क्या कहना चाहोगे एहसन, प्रोग्राम पहली दफा सुन रहे हो? जी पहली बार सुन रहा हूँ. पहली बार सुन रही और पहली बार कॉल मिलाई और मिल गई? जी मिल गई. क्या बात है भाई आपकी, क्या कहना है? टॉपिक सुना? टॉपिक फिलहाल तो नहीं सुना. हाँ चले टॉपिक सुने फिर बात करते हैं आपसे. ठीक है, कौन सा टॉपिक है? हेलो ओके, टॉपिक जनाब ये है कि वादे हमेशा तोड़ने के लिए ही क्यों किए जाते हैं. व्हाट डू यू से, आपकी क्या राय है इस हवाले से? हेलो अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन? नाजिया बात कर रही हूँ. नाजिया क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ नाजिया, एकदम फर्स्ट क्लास. मैं आपका शो तो नहीं सुन रही लेकिन टॉपिक पता है मुझे. हाय 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 हाय, कैसे? बस मैसेज पूछे. अच्छा मैसेज पूछे, आप शो क्यों नहीं सुन रही, वजह? मैं गांव आई हुई हूँ. अच्छा आप गांव आई हुई हैं, कौन से गांव में है इस वक्त जहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन नहीं है? कोहाट. ओके कोहाट से बात कर रही हैं आप, और कोहाट का मौसम कैसा है पहले तो हम आपसे ये जानेंगे. मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठंड है. ओके ठीक है, तो टॉपिक पे क्या कहोगी? टॉपिक पे यही कहना चाहूँगी कि वादे जो है अगर जब करो तो उनको पूरा करना चाहिए. टूटने के लिए वादा कभी भी नहीं करना चाहिए. कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा प्रॉमिस किया हो आपने और जो कि मैंने बड़े मैंने बहुत वादे तोड़े हैं. बहुत वादे तोड़े हैं, कितने फखर से बता रही हैं आप. क्या? कितने फखर से बता रही हैं नाजिया. झूठ क्यों बोलो, मैं ये तो नहीं कह सकती मैंने तो कभी वादा तोड़ा ही नहीं है. ओके तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है, हम क्यों वादा करके भूल जाते हैं, वादा करके हम तोड़ देते हैं? बस कुछ लोग जो होते हैं ना कि किसी से कुछ गर्द होती है, कुछ लालच होती है और फिर उस टाइम तो वो वादा कर लेते हैं कि जी हम ये काम कर देंगे, एक दफा आप हमारे काम तो आए. ओके तो वादा कर लेते हैं, जब वो काम निकल जाता है तो फिर वो कहते हैं, वो क्या कहते होते हैं, अपनी वो बात भूल जाते हैं कि भाई हमने से वादा किया था. अक्सर लोग पैसे जब किसी से लेते हैं कहते हैं जी हम आपको फलाने टाइम पे दे देंगे, ये हो जाएगा. वो इंसान उसकी मजबूरी के मुताबिक उसका प्रॉमिस पूरा, लेकिन जब उस बंदे में मजबूरी आती है, टाइम आता है, तो वो बंदा कभी भी उसकी बात को फुलना यानी बात को पूरा नहीं करता, वादा उसका तोड़ देता है. तो ये चीजें होती हैं. वादा जो है मैं कहती हूँ कि मैं वादे करती नहीं हूँ. ओके हाँ, मैं जब पूरा नहीं कर सकती मैं करती भी नहीं हूँ वादा कोई भी, क्योंकि मैं चीजों से दूर रहती हूँ. ओके वेल सेड नाजिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अभी मेरा गला खराब लग रहा है ना आपको? हाँ 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 हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं नाजिया से नहीं न्यास से बात कर रही हूँ. न्यास मिठाई वाले से वो जो काड़ा से फोन करके. ओके अब मुझे नहीं पता कौन है. हाँ बस यही है. अच्छा आफी जी, मैं जब इस्लामाबाद आऊंगी ना मैं आपको दोबारा फोन करके पूछूंगी इस बारे में कि आपने मुझे न्यास क्यों बनाया. ठीक है, और दूसरा ये कि तमाम सुनने वालों को मेरे सर से 12वें लेवल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो. और उनसे कहूंगी इनको समेटिए, बाबत के महीने जितनी भी नेकियां हैं उनको समेटिए. और अगर अली जान भाई तो सुन रहे हैं तो उन्हें भी कहूंगी कि अस्सलाम वालेकुम. और शम्मा भी सुन रही है आपकी. okay, सलाम, बहुत शुक्रिया नाजिया. मुझे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक की तरफ मूव करना है. ओके अल्लाह Alright, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं. जाना आपने कहीं नहीं है, स्टे ट्यून्ड. कारीगर एफ10 मर्कज
इस्लामाबाद लाया धमाका खेज ऑफर, दो पैंट कोट खरीदें, दो शर्ट्स और दो टाई बिल्कुल फ्री, इंग्लिश सूटिंग पैंट कोट अपने नाप पर सिलवाएं, सिलाई बिल्कुल मुफ्त, और तो और शर्ट और टाई भी बिल्कुल मुफ्त हासिल करें, स्वेटर्स जैकेट्स पैंट शर्ट्स वेलवेट कोट काटराई कोट एंड लेडीज कोट की कम्प्लीट रेंज, इसके अलावा रेडीमेड शलवार कमीज फैब्रिक्स और सिलाई की सहूलत भी मौजूद है, कारीगर मेन डबल रोड एफटन मरकज इस्लाम। ऑलराइट वेलकम बैक वंस अगेन, 8:31 इस वक्त हो चुके हैं और जबरदस्त से फरमाइश इस वक्त मैं एक अदद चलाने जा रही हूँ। इस वक्त हमें सुन रहे हैं जनाब FM 95 जो हमारा जो सनराइज का जो स्टेशन है इंजेलम, और वहाँ पे हमारे स्टेशन मैनेजर वसीम कुरैशी साहब इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके फादर भी उनके साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं सबसे पहले जी हम वसीम कुरैशी साहब को अपने शो में, और साथ में आपके फादर भी मौजूद हैं जो कि हमारा शो सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो को इतनी इज्जत बख्शी और आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं। आपके लिए मैं एक स्पेशली गाना चलाने जा रही हूँ, यकीनन ये गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, एंड ट्रैक इज गोइंग आउट फॉर यू एंड योर फादर। ऑलराइट जनाब, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, सच अ लवली सॉन्ग जो कि हमने प्ले किया वसीम कुरैशी के लिए और उनके फादर के लिए जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं इस्लामाबाद में। वंस अगेन जनाब वेलकम, खुश आमदीद। ऑलराइट कॉलर्स को हम शामिल कर रहे हैं 0512356696 एंड 2356697। इसके अलावा आप लोगों के SMSs में शामिल कर रही हूँ, ISB स्पेस आपका मैसेज भेजना है आपने 8282 पे। बात कर रहे हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन बहुत से वादे जो हैं वो करके हम क्यों भूल जाते हैं, निभाते क्यों नहीं, या फिर वादा करते ही क्यों हैं जो कि हमने पूरा नहीं करना होता, या फिर वादा किया ही टूटने के लिए जाता है, क्या ख्याल है आपका? ऑलराइट 0512356696 एंड 2356697। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन कहाँ से? निगत अभी शफीक तबस्सुम इस्लामाबाद से। ऑलराइट शफीक तबस्सुम इस्लामाबाद से वेलकम करते हैं सबसे पहले भैया आपको, एंड यकीनन आपके जो शब रोज जो गुजर चुके हैं वो बहुत अच्छे गुजरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। टॉपिक के मतलब यही है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस माशरती रस्म रवाज के शहकार हैं, उसमें वादा इफा करना बहुत मुश्किल है। मगर बात यह है कि किसी की बात को भी वादा समझ लेना भी गलत है। ओके, अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली दोनों एंड पे ऐसे होती है कि जो बंदा बात कर रहा होता है किसी से कि मैं ठीक है जी ये काम कोशिश करूंगा, वो शायद उसको वादा समझ लेता है। ओके, हाँ, अगर वादा इस चीज इसीलिए मना भी फरमाया गया कि वादा अगर आप इफा नहीं करते तो वादा मत करें। ओके, ठीक है, मगर अगर कोई बंदा किसी को कोई काम कहता है और वो बंदा उसकी नीम रजामंदी या रजामंदी जाहिर करता है और वो कोशिश भी करता है मगर नहीं हो पाता, तो किसी दूसरे को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने वादा इफा नहीं किया। ओके, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह करीम बेहतर जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो एक असेसमेंट बंदा या प्रिडिक्शन बंदा कर सकता है, वो नहीं करनी चाहिए। Okay. और दूसरा ये है कि वादे का बड़ा सख्ती से हुक्म है, अगर हम उसके मफहूम को समझ लें कि वादे को इफा करना कितना जरूरी है और अगर एक बंदा मुसलसल वादे करके तोड़ दे तो मुझे तो ये भी अंदेशा है कि हम फिर मुसलमान क्यों कहलाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत अच्छी सी बातें आपने शेयर की शफीक साहब। सेकंडली, हम बहुत सी बातों में, वैसे हम गपशप भी कर रहे होते हैं आपस में, दोस्तों में बैठे होते हैं, तो भी ऐसे कुछ वादे कर जाते हैं, हमें पता होता है कि हमने वो प्रॉमिस नहीं पूरा करना। जी जी जी, जैसे कोई बंदा किसी की दावत कबूल कर लेता है, मुझे एक इसी पे याद आ गया कि जब आपको कोई इन्विटेशन देता है अगर वो कार्ड की शक्ल में या इन राइटिंग में कुछ होती है तो वहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे होते हैं, टेलीफोन नंबर्स लिखे होते हैं कि इफ आप नहीं आ सकते तो देन यू कॉल देम, आप उनको कॉल करें, उनको बताएं कि भाई मेरी ये मसरूफियत है, ये मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकूंगा बिफोर वन डे, ताकि जो उस कार्ड का इन्विटेशन का मकसद है वो पूरा हो जाए। All right. जी जी, तो मेरा मतलब तमाम लिसनर्स को यही है
कि वादा अगर किया जाए तो उसको ये जरूर मतलब चीज को जहन में रखा जाए कि यार ये वादा हमने इफा करना है। ओके वेल सर, थैंक यू सो मच, बड़े अरसे के बाद आपने कॉल की। मैं तो अभी देर से कोशिश कर रहा था, एक दो बड़े अच्छे टॉपिक्स थे, हैप्पी न्यू ईयर पे भी बड़े अच्छे टॉपिक्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली कॉल ही नहीं लगी। ओके सर, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सुनते हैं, शो पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इतना काफी होता है। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। 0512356696 and 2356697। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन आप? यासिन बात कर रहा हूँ, दोबारा कॉल मिल गई। यासिन दोबारा क्यों कॉल किया भाई, उन तमाम लोगों को मौका दो जो कॉल करना चाह रहे हैं। पता है कि किस लिए मेरी कॉल मिल रही है आज? हाँ किस लिए? शायद जो पुराने लिसनर है वो न्यू लिसनर को चांस देते हैं कि कॉल बार बार करें। ओके चलें, ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं चाह रही होती हूँ कि वो भी पार्टिसिपेट करें, वो भी थोड़ी सी एफर्ट करें, उनकी भी कॉल मिलनी चाहिए। क्या कहना है? टॉपिक तो सुन लिया होगा आपने। टॉपिक के बारे में यही कि पहली बात तो ये कि वादा करना ही नहीं चाहिए। ओके अगर वादा करें तो उसे पूरा करें। तो ज्यादातर जो लोग हैं, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, अगर कोई वादा पूरा ना होना तो फिर उसके साथ झूठ बोलता हूँ, तो इसका मतलब दो दुगुना हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, झूठ भी बोलते हैं, एक झूठ के साथ हम 10 बोलते हैं, 20 बोलते हैं, ऐसे झूठ काफी सारे बोल देते हैं। तो लिसनर से यही कहूंगा, अगर कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा करें, अगर पूरा नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि सच बोलें, झूठ ना बोलें। ओके वेल सर, थैंक यू सो मच यासिन, वंस अगेन आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू, थैंक यू। कुछ एस एम एस आपके मैं पढ़ना चाह रही हूँ। खालिद ने हमें एस एम एस किया था रावलपिंडी से, इसके अलावा राजा अदनान ने हमें पिंडी से एस एम एस किया। हेलो निगत, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, एज ऑलवेज। शाम हुसैन ने हमें एसएमएस किया जनाब चौक पिंडोरी से, एंड यू आर सेइंग सलाम आप ही। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भैया, आपका प्रोग्राम सो नाइस और आपकी आवाज तो सुपर डुपर है, अल्लाह पाक आपको हर जगह इज्जत दे, कामयाबी दे, आमीन। रमजान ने हमें पीर सुहावा से एसएमएस किया, आप ही तो भी आपकी तारीफ। भैया आपने मुझे नहीं समझ आया आपका मैसेज, और सेकंडली आपका मैसेज मुझे इनकम्प्लीट मिला, दोबारा से करना, इसको जरूर शामिल करूंगी। मुबशर अली ने हमें रहमानाबाद तलगंग से एसएमएस किया, आप ही निगत, क्या हाल है आपका? आई लाइक योर वॉइस ऑन शो। आहा मेरे भांजे मोहम्मद सैम की आज बर्थडे है, प्लीज उसे विश कर दें, मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सैम, एंड मे यू हैव सो मैनी मोर, हजारों साल जियो, खुश रहो, आबाद रहो। फवाद खटक ने हमें नौशहरा से एसएमएस किया, सलाम ग्रेट हैप्पी, 3 दिन बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, मंडे को जल्दी आया करें और 11 बजे जाया करें, जाती हूँ, यही बड़ी बात है भाई। एंड यू आर सेइंग शो इज नाइस, आवाज की क्या बात है, आई एम योर साइलेंट लिसनर। आप प्रोग्राम में शामिल हुए, यू आर नो साइलेंट लिसनर। सोहराब ने हमें मलोट बाग आजाद कश्मीर से एसएमएस किया, एंड यू आर सेइंग आप ही, क्या हाल है, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक हूँ भैया, एकदम फर्स्ट क्लास, आपकी आवाज सुने बगैर 3 दिन वीरानगी से गुजरते हैं, और आपके बगैर एफएम 97 बिल्कुल बेरौनक है। आप रोजाना आया करें, मैं रोजाना एसएमएस करता हूँ, आपने मेरा एसएमएस शामिल किया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आप इतनी ढेर सारी तारीफें जो हैं वो मैसेज में लिख देते हैं।